सेना। तो आज हारिस ने उसकी वाइफ से मिल गया, तो मैं बहुत अच्छा लगता है। हाँ? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही रिफाइंड लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाय दिशा, कैसी हो? कैसी हो? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले फोन का मैसेज ही कर देती। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो असली के फ्रेंड के घर पे डिनर है, वहाँ जा रहे हैं। ओ अच्छा, तो फिर मैं बाद में आ जाऊंगी। तुम भी चलो ना, असली बोले मैं इसको हमारे साथ चलो। नहीं मीनू, कैसी बातें कर रही हो? तुम लोग इन्वाइटेड हो, मैं जाके क्या करूँगी? मैं बाद में आ जाऊँगी। अच्छा नहीं ना, तुम बैठो, वैसे भी आंकंजापा आने वाली है, शॉपिंग पे गई भी थोड़ी देर तक आ जाए। मुझे कोई मसला नहीं है मीनू, मैं कल आ सकती हूँ। ज्यादा बातें मत करो, ठीक है? अंदर जाके बैठो और साबरा को बोलो तुम्हें कुछ बहुत मजे का बना के खिलाए, ठीक है? हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, चलो चलो जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप उसको बोल सकते थे ना जाने के लिए हमारे साथ? मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो खुद कह रही थी उसने नहीं जाना। कहती हो तो अभी कह देता। पर फिर भी अब लेट हो रहा, चलें। अरे दुल्हन बेगम, आप गई नहीं अभी तक? लुची आप हैं, मैं समझी भाई दुल्हन बेगम। आप कब आई? मैं बस अभी अभी आई हूँ। अच्छा अच्छा, आप बैठे हैं, आप ये बताएं कॉफी पियेंगी चाय? कॉफी। चलिए चलिए, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। जी निशा, कहाँ थी तुम? मैंने मिन्नू के घर भी कॉल की, वो लोग तो घर पर नहीं है, तो तुम कहाँ थी? मेरी चौकीदारी करने के अलावा कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? मैं फिक्रमंद हो रहा था और ऊपर से तुम फोन नहीं उठा रही थी। अब आ गई ना मैं घर, तुम्हारी फिक्र खत्म, अब जा। लेकिन तुम थी कहाँ? 11 बज रहे हैं। आराम से अहमद, मेरे शौहर बनने की जरूरत नहीं है और आइंदा ये फजूल सवाल जवाब मत करना मेरे साथ। क्या मतलब सवाल जवाब न करना? जो तुमसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधा उसका जवाब दो। क्यों जवाब दूँ? कहाँ थी तुम? मेरे माँ बाप जिंदा हैं अभी, सारे सवालों के जवाब मैं उन्हीं को दूंगी, तुम्हें नहीं। मुझे भी पूरा हक है हर सवाल पूछने का, और मैं पूछूंगा सवाल। कौन सा हक? क्या हो गया है तुम्हें? ये टिपिकल मिडिल क्लास मर्दों की तरह ना मुझसे सवाल जवाब और इन्वेस्टिगेशन मत किया करो अहमद। ये तुम किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? पहले तो तुम्हें ये मेरी इन्वेस्टिगेशन कभी बुरी नहीं लगती थी,
पर अब पहले नहीं लगती थी लेकिन अब जाओ जाओ अहमद मुझे सोना है यार जाओ। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। बड़ी फिक्र हो रही थी मेरी, इंतजार कर रहा था मेरा। शादी से पहले इसका ये हाल है, शादी के बाद तो पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। अहमद जैसे मर्दों का मसला ही है, न खुद खुश होते हैं और ना दूसरों को खुश होने देते हैं। उन्होंने तो मीनू पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। पर्दे बंद करो, बहुत जोर की धूप आ रही है यार। असफी, ये मैंने आपको जगाने के लिए ही खोले। अरे मुझे सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है, स्पेशली जब ऑफिस ना जाना हो। असफी आप कुछ भूल रहे हैं, आज फ्लाइट है आपा की। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। आपको तो आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक कह रही हो, तुम्हारे सिवा सब भूल चुका। बातें बनाना तो कोई ऐसा यार से सीखे। और पागल बनाना जाए जाके चेंज कर। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स, ओफ जल्दी। निशा तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। प्लीज अहमद। अरे सॉरी ना, मुझे रात को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बस कुछ ज्यादा रूड हो गया। तुम्हें पता है अहमद, तुम जैसे मर्दों का मसला क्या है, उन्हें अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो समझते हैं कि अगर औरत पे पाबंदी लगाएंगे तो वो मर्द बन जाएंगे, इसीलिए वो उनके खाने पे, पीने पे, उठने पे, आने जाने पे, हर चीज पे पाबंदी लगाना पसंद करते हैं। मैं दोबारा झगड़ा करना नहीं चाहता, वैसे भी एक दो दिन में हम यहाँ से जा रहे हैं और मैं हमेशा की तरह अच्छी यादें लेके जाना चाहता हूँ। अहमद, अच्छी यादों के साथ ये खुशफहमी अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे इशारों पर चलूंगी। मेरी हर बात का गलत मतलब ले रही, तुम्हें मेरी बातों में पाबंदी नजर आती है, तंग जहनी नजर आती है, मेरी मोहब्बत और फिक्र नजर नहीं आती। चलो आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है मैंने कभी चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? क्योंकि मुझे लगता है कि चूड़ियाँ पहनने से मैं कैद हो जाती हूँ और कैद होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन रिंग है और क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ये रिंग दोबारा मत पहनना। अहमद, मैंने तुम्हें अभी अभी कहा है कि मुझे अपने इशारे पर चलाने की कोशिश मत करना। क्या बेवकूफी है निशा, उतारो इसे। तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आइंदा मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ आई? छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो।
सब समझ रहा हूँ। छोड़ तो तुम मुझे रही हो निशा, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना सब जानता हूँ, पीछे हट रही हो तुम। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो बाकी पीछे हट जाओ। क्या पीछे हटोगी तुम? छोड़ोगी मुझे तुम? हाँ छोड़ दूंगी, नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी, खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो हेमर। तो किससे करना चाहती हो ये बता दो। किसी से भी करूंगी लेकिन तुमसे नहीं करूंगी। ये लो अपनी अंगूठी अपने पास रखो, मैं तुमसे आज सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। देखता हूँ कैसे खत्म करती हो ये रिश्ता, तो जान ले लूंगा तुम्हारी। समझते क्या हो तुम खुद को? जो तुम चाहोगे वही होगा बस। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों? मैं गुस्से में क्यों हूं? तुम्हें नहीं पता मैं गुस्से में क्यों हूं? निशा तुम देख रही थी ना मैं दोस्त से बात कर रहा था, तो क्या जरूरत थी तमाशा लगाने की? तमाशा मैंने लगाया या तुमने तमाशा लगाया? और जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की नहीं है। अच्छा तो किसकी परवाह है तुम्हें फिर? ये सब कुछ तुम मुझे नीचे दिखाने के लिए कर रहे हो ना? तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हें तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, समझी? जवाब नहीं दोगे मेरी बात का? नहीं, जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। बताओ बताओ मुझे। निशा तुम अपनी हद से बढ़ रही हो और मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ कि मैं तुमसे शादी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं करूंगी, इस शादी से तुम इनकार करोगे। अच्छा किया था ना तुमने इनकार, क्या मिला तुम्हें सबके सामने इनकार करने से? अहमद मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने इस निकाह से इनकार नहीं किया तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। अच्छा घर से भाग जाऊंगी और कहाँ जाओगी? पर आखिर मुझे भी तो पता चले ये कौन है जिसने तुम्हारी आंखों से मेरी मोहब्बत छीन कर ये नफरत भर दी। बोलो बताओ मुझे कौन है?